हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों के 95% जो पद थे, ब्लॉक थे, वो सब खोल दिए गए हैं। जल्दी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी 95% पदों पर, जहाँ पर भी पद खाली है। और पुराने अतिथि शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी, और जो अतिथि शिक्षक ट्रांसफर या प्रमोशन से बाहर हो गए उनको भी नियुक्ति मिलने की संभावना है। और 30% रिजल्ट कमाया उनको भी नियुक्ति मिलने की संभावना है। DPI आयुक्त ने स्पष्ट बोला है कि किसी के भी हित में, सभी के हित में कार्य करेंगे, किसी के हित में अहित नहीं करेंगे। और जल्दी सभी पद खोल दिए गए हैं और अतिथि शिक्षकों की 95% पदों पर भर्ती कर ली जाएगी। और अभी 20,000 पद खोले गए हैं जिस पे 16 तारीख तक भर्ती की जाएगी। अन्य 60% पदों पे अभी तक भर्ती हो चुकी है, 40% पद हैं उन पे ही भर्ती कर ली जाएगी। और किसी भी अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा, वरीयता के आधार पर पुराने अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा और नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। DPI आयुक्त में सभी स्टाफ से बात हुई है, जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे उनसे सभी से बात की गई, तो सभी ने स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों के लिए नियुक्ति की जाएगी और किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। तो अब वीडियो में बने रहे हैं, सुनील से परिहार हैं, प्रदेश अध्यक्ष, इनका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में, कब तक नियुक्ति कर ली जाएगी। अब वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सिंह अपडेट पाने के लिए। साथियों, जैसा कि प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे, हम लगातार अतिथि शिक्षकों के हित में जो भी संभव हो सकता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय हमारे संगठन के संस्थापक दादा PD खेरवार जी के मार्गदर्शन में, छोटे भाई रविकांत गुप्ता जी के सहयोग से अतिथि शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान तुरंत करने का प्रयास किया जा रहा है। दो चार दिन से पूरे प्रदेश में 95% पद DPI से ब्लॉक कर दिए थे। आपको बता दूं, लगातार जहां पे शून्य पद दिखाई दे रहे थे उन पदों को अपडेशन करने में लगभग 30,000 पद पिछले 2-3 दिन में मेहनत करके, अधिकारियों से बातचीत करके पद खुलवाए हैं। और जिन लोगों के पद अभी भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, संगठन आपके साथ है। संगठन आज भी आपकी मांग हमने रखी है DPI जाकर, बल्लभ भवन जाकर, और अतिथि शिक्षकों के हित में बड़े जल्दी बहुत अच्छे आदेश भी होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को ये समझाने में सफल रहे कि पुराने व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता। आने वाले समय में आप लोग विश्वास रखें, कोई भी अनुभवी व्यक्ति जो सीधी भर्ती प्रमोशन ट्रांसफर से बाहर हुआ है वो रिक्त पदों पर उनको ही अवसर मिलेगा। कोई भी नया व्यक्ति आपसे आगे नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में लगभग 13,000 अतिथि शिक्षक काफी समय से 30% से कम परीक्षा परिणाम के कारण आज बाहर बैठा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। उनके लिए भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सबके समक्ष आपकी जो समस्या थी उसको हमने रखा। आज भी, क्योंकि कल भी हम इसी कार्य के लिए बल्लभ भवन गए हुए थे, लेकिन किसी कारण से जिन वरिष्ठ अधिकारियों से हमको चर्चा करना था उनसे बात नहीं हो पाई थी। कल शाम को 7 बजे तक हम लोगों ने इंतजार किया, लेकिन आज हम लोग गए, अपनी बात को रखा। और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो एक साथ थे, सबके सामने हमने चर्चा की। और हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने उनको बोला है कि किसी भी स्थिति में 30% से कम परीक्षा परिणाम वालों को बाहर ना करें। यदि करना ही है तो रेगुलर टीचरों को बाहर करो, यदि उनको आप बाहर नहीं कर सकते तो अतिथि शिक्षकों को 30% के मामले में आप बाहर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही है, काम भी हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये टीम काम कर रही है उसका परिणाम ये है कि अतिथि शिक्षकों की समस्याओं पर तुरंत समाधान भी हो रहा है। साथियों, क्योंकि
ज्यादा समय अभी मेरे पास नहीं है, मुझे भी पुणे निकलना है 2 दिन से। यहाँ भोपाल में आप सबके हित में हम काम कर रहे थे। सिर्फ इतना कहूंगा कि आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों के लिए प्रदेश स्तरीय जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं वो सभी संगठनों से बातचीत करके सबकी सहमति से किए जा रहे हैं। आज भी हमने 2 सितंबर और 5 सितंबर के बारे में वरिष्ठ साथियों से चर्चा की है। आप सभी तैयार रहें, जैसा 17 तारीख को प्रदेश स्तरीय बैठक में सभी साथी जो तय करेंगे उस हिसाब से हम सब मिलकर काम करेंगे। और मैं आप सबको एक बार हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों का ये जो कार्यक्रम है, ये जो आंदोलन है, एक एक अतिथि शिक्षक सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहें, घर बैठकर तमाशा न देखें, क्योंकि अभी तक हमारी जो दुर्दशा है वो 90-95% लोगों के कारण है जो सिर्फ घर बैठकर तमाशा देखते हैं। हम तमाशा देखेंगे तो खुद तमाशा बन जाएंगे। यदि आपको तमाशा बनना है तो बिल्कुल आप लोग स्वतंत्र हैं, और वास्तव में आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको अपनी ताकत सरकार को दिखाना पड़ेगा। आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। जो भी कार्यक्रम यहाँ से तय होगा सभी साथी तन मन धन से उसमें सहयोग करेंगे और सभी साथी मिलकर आंदोलन को सफल बनाएंगे। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर जो भी आंदोलन होगा सफल होगा, परिणाममूलक होगा, और हो सकता है आंदोलन की जरूरत भी ना पड़े। उससे पहले हम सबके हित में जो आदेश होना है वो आदेश भी हुआ है। इसलिए आप सभी धैर्य रखें, आगे की जो जानकारी है कुछ समय बाद 8-9 बजे के लगभग रविकांत गुप्ता जी आपको देंगे। 9:30 बजे रविकांत गुप्ता जी लाइव आकर पूरी जानकारी आपको देंगे। और एक बार और आपसे आग्रह है, आपको जो भी दिक्कत है आप आवेदन के माध्यम से लिखकर व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप आपने कर दिया तो उसके बाद फोन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर आपकी समस्या को देखकर जो भी आपको रिप्लाई मिले उस हिसाब से आप उनसे बात कर लेना, वो आपको कॉल करें, वो आप चर्चा करें। आप सबकी समस्याओं के लिए यहाँ लगातार हमारे एक और वरिष्ठ साथी रामस्वरूप गुर्जर जी जो सीहोर से हैं, पूरी मदद पिछले वर्षों से अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के साथ जुड़कर, और आज भी लगातार आपके हित में जो भी चला फिरी लिखा पढ़ी सारा काम वो कर रहे हैं। उनका भी मैं पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर से उनको भी साधुवाद देता हूं। और आप सभी अतिथि शिक्षक साथी एक एक अतिथि शिक्षक को जगाने का काम करें, एक एक अतिथि शिक्षक को जगाएं, उनको बताएं कि हमको जीतना है, अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो हमको संगठन का सहयोग करना पड़ेगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज तक जितने भी धरना प्रदर्शन आंदोलन कार्यक्रम होते हैं कभी भी हमने कभी संगठनबाजी नहीं की। हमारे संगठन के जो संस्थापक है आदरणीय खैरवार जी ने जो समन्वय समिति जो नाम रखा था, हमारा काम ही है समन्वय बैठाना। आज से 10 साल पहले की बात करूं तो स्थिति क्या थी वरिष्ठ साथी जानते हैं। आज भी वास्तव में क्या स्थिति है धरातल पर वो भी आप सब जानते हैं। कोई भी वरिष्ठ साथी का अहित ना हो उनके हित में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल अतिथि शिक्षकों को सफलता मिलेगी। हम लगातार